अरे वाह, लग नहीं रहा कि तुम कहीं गए थे। मुझे भी ऐसे लग रहा। ड्रिंक लाए? ड्रिंक रखी ना फ्रिज में, रखी नीचे। वॉक कर रहा था, पैदल था ना तो कहीं दूर जा नहीं सका, जो स्टोर देखा वहां से ले ली। गए क्यों थे? क्या मतलब क्यों गए थे? मतलब वॉक पे? तुम पुलिस में भर्ती हो जाओ यार। यही सोच रही हूँ, वरना तुम तो मुझे छोड़ के अगले कमरे तक नहीं जाते थे। तुम नहीं होगे ना तुम्हें मर जाऊंगी मैं। अच्छा, तुम क्यों मरो यार, मतलब मरे तुम्हारे दुश्मन। अक्सर मेरे दुश्मन तुम्हारे दोस्त हैं, सोच लो। कोमल प्लीज। लिसन, मैं एक दो रोज, ज्यादा नहीं, मेरे शहर के पास चला जाता। सी तुम स्टेबल भी हो तो। यार तुम मत ही आया करो ना मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। इग्नोर, छोड़, मत उदास हो। क्या हुआ है भाभी? क्या हुआ? ज़ैनी, आपके भाई को ना मेरी परवाह है और ना ही काके की। उनकी भला से तो हम मार ही जाएं। मैंने अम्मा के पास चले जाना है। भाभी कैसी बातें कर रही हैं, ये घर आपका है। अम्मा को मिस कर रही हैं तो उनको यहाँ बुला लें। जिस कार में मेरी कोई इज्जत नहीं है वहाँ मेरी माँ की कहाँ की इज्जत होगी? आप मुझे बताओ, अभी वो इतने बैठे थे जहाँ आप बैठे। हाँ, कोमल आपी ने बुआ खड़काया, फौरन गोसल खाने में घुस गए हैं। मुझे कहते खुद खोल लो दरवाजा, ऐसा कहीं होता है? आप मुझे बताओ, जिंदगी ऐसे गुजरती है तो खेल बना के रख दिया इन्होंने। असल में कोमल भाभी को अपना हिसार तंग करके रखना होता है, चाहे वो बीमारी का इशू बना ले या कोई और। आपको ना भाभी अपना हक जताना होगा। कितने दिन हो गए आपको भैया से मिले हुए? हफ्तों गुजर गए हैं जी। कहीं ना मुझे बाहर लेकर गए, ना मेरे साथ वक्त गुजारा, काके को भी छोड़ा हुआ है। भाभी जब तक बीमार नहीं हुई थी ना तो भैया बिल्कुल ऐसे नहीं थे। मैं तो कहती हूँ भाभी आप भी बीमार हो जाओ। उनके जैसा बीमार तो कोई भी हो सकता है। तो फिर भाभी इस बात का क्या हल है? आप इसी तरह आंसू बहाती रहेंगी और हम लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। मैं ना जी उनकी जैसी बढ़ नहीं सकती। ऐसी जहीन औरत मैंने अपनी पूरी हयाती विच नहीं देखी। हमारे गांव में भी होते हैं मसले, बड़ी चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी गलां होती हैं, लेकिन वो जाहिल लोग होते हैं जी। लेकिन जब हक और इंसाफ की बात आती है ना तो क्या जाहिल तो क्या पढ़ा लिखा। इधर तो मुझे लगता है कि मेरा और नूरी का एक ही काम है। वो हर वक्त कार देखती रहती है, मैं हर वक्त काके को संभालती रहती हूँ। मैं माँ जी के पास चली जाऊंगी। गांव में भी बड़े बुरे लोग हैं, लेकिन मैं उनको जानती तो हूँ ना। इधर तो मैं किसी को नहीं जानती, किसी को भी नहीं जानती, ना उमर को तो ना उनकी वोटी को। अच्छा भाभी, आप मुझे एक बात बताएं, आपको अभी भी लगता है कि हाजिम के इनकार के पीछे कोमल भाभी का हाथ था? सही सही बताएं मुझे।